अवतार फिल्म जरूर देखी होगी आपने, कैसे एक व्हीलचेयर पर चलने वाला आदमी कंप्यूटर से अपने अंगों को कंट्रोल करता है और करामत दिखाता है। सच मानिए, यह सच साबित हो चुका है। ताजा शोध अगर सच है तो बंदरों पर यह प्रयोग किया जा रहा है। बंदरों को उन्होंने कुछ इस तरह से जोड़ा है कि एक बंदर अगर चाहे तो दूसरे बंदर के सारे क्रियाकलापों को कंट्रोल कर सकता है। प्रक्रिया बहुत जटिल है। एक मंकी को अवतार के रूप में देखना सचमुच आह्लादकारी हो सकता है, लेकिन यह आह्लाद पैदा किया है जीव विलियम्स ने। ये न्यूरो साइंटिस्ट हैं, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के, वहां के जनरल हॉस्पिटल के प्रमुख भी हैं। अब एक अद्भुत सी खोज आपके सामने जल्दी ही आएगी। बंदरों पर प्रयोग शुरू हो चुके हैं। पहला प्रयोग सफल रहा है, जिसमें एक बंदर को प्राइमेट बनाकर उसके दिमाग से कुछ संकेत दूसरे बंदर तक पहुंचाए गए और दूसरा बंदर लगभग वही सब कुछ कर रहा था जो पहला बंदर चाह रहा था या उससे करवाया जा रहा था। दरअसल ये खाली शोध नहीं है, ये आश्चर्यजनक चीज नहीं है, किसी फिल्म को सच होता हुआ देखने का सुख नहीं। दरअसल ये एक संकेत है उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों के लिए, शुभ संकेत, जो स्पाइनल कार्ड की, अपने कशेरुक दंड की अक्षमताओं की वजह से, टूट फूट की वजह से, दुर्घटनाओं की वजह से या पैदाइशी वजह से चलने से मजबूर हो गए। इस मजबूरी का कोई इलाज अभी तक विज्ञान के पास दिखता नहीं था। हो सकता है अवतार नामक ये फिल्म उनके जीवन में कुछ आश्चर्य पैदा करे। कुछ इस तरह से, ये सामने बंदर देखिए, इसके सर पर बकायदा एक वायर्ड इलेक्ट्रोड लगाए गए और यही इलेक्ट्रोड कुछ संदेश भेजेंगे। ये जो करेगा वो दूसरा बंदर उसे रिपीट करेगा। है ना आश्चर्यजनक? लेकिन इस आश्चर्य को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम जुटी हुई है। ये एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक संकेत है एक बड़ी संभावनाओं का। बंदर हमारे पूर्वज हैं, चलिए बंदर के बहाने ही सही एक प्रयोग कुछ आगे बढ़े और हम उन तमाम लोगों को चलता फिरता देखें जिन्हें व्हीलचेयर नसीब हुई है अपने कशेरुक दंड, अपने वर्टिबल कॉलम के टूट फूट की वजह से। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन इसे सिंप्लीफाई किया गया है। इसे आसान करके कुछ जॉइंट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि ये कुछ बड़े, बहुत बड़े प्रयोग करेंगे मानवता की भलाई के लिए। कोशिश ये होगी कि क्रिपिड लोगों के, अक्षम लोगों के तमाम अंगों में गतिशीलता लाई जा सके, अनुकूल गतिशीलता, मनचाहा काम करने की ताकत,